जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बुधवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है और गणेश जी का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं। इनका पूजन करने से मनुष्य की हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कोई एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, इस दिन आपको देखिए गणेश जी का पूजन अवश्य करना है और गणेश जी पर ये वस्तु अवश्य चढ़ानी है जिससे कि आपके जीवन में चल रही बाधाएं दूर होंगी और आपको मन वांछित संतान सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है तो आपको इस उपाय को देखिए सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। आपको गणेश जी का पूजन करना है, उन्हें लाल और पीला चंदन अवश्य लगाना है और साथ ही आपको देखिए हरी दुर्वा की 11 या 21 अंकुर अवश्य ही उनके हाथ पर या उनके मस्तक पर अवश्य अर्पित करनी है और गणेश जी को आपको इस दिन मीठे पान का भोग लगाना है। साथ ही इस दिन आपको 7 फूलदार लौंग लेनी है और गणेश जी को अवश्य ही अर्पित करनी है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, बनते बनते अगर काम बिगड़ जाता है तो इस दिन आपको एक मुट्ठी या 250 ग्राम आप जो हरी मूंग होती है, साबुत हरी मूंग लेनी है और गणेश जी को अवश्य ही अर्पित करनी है। दोस्तों, हरी मूंग को आप अर्पित करके दूसरे दिन किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान कर दें, देखना आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होंगी, आपका कार्य अवश्य ही होगा। इस दिन गणेश जी को देखिए आप केले का भी भोग लगा सकते हैं, मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मोदक का भोग लगा रहे हैं तो पीले मोदक का भोग लगाएं, यानी पीले लड्डू का भोग लगाएं। आपको सफ़ेद मतलब लड्डू का भोग नहीं लगाना है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो आपने गणेश जी को पान अर्पित करा है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसको आधा आधा पति पत्नी अवश्य ही ग्रहण कर लें और जो 7 लौंग आपने गणेश जी को अर्पित करी हैं उनको दूसरे दिन आपको किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। देखना आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होंगी, जो भी बाधा आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है संतान प्राप्ति में तो वो अवश्य ही दूर होगी और गणेश जी के आगे 4 मुखा दीपक आपको अवश्य ही जलाना है और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है। एक माला का जाप तो अवश्य करें, देखना बहुत ही शीघ्र आपको मन वांछित संतान सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को